नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एसएससीएन न्यूज के इस बुलेटिन में। और आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। जमशेदपुर जिला शिक्षा अधीक्षक विनीत कुमार ने निजी स्कूलों को जारी की गाइडलाइन। स्कूलों में नामांकन के लिए 20 जनवरी तक लॉटरी कराने का निर्देश। पर्यवेक्षक के समक्ष पारदर्शिता से होगी लॉटरी, 22 जनवरी तक निकालना होगा रिजल्ट। बीपीएल की 1550 सीटों पर नामांकन के लिए 600 फॉर्म हुए वितरित। जमशेदपुर पुलिस को 2 अलग अलग मामलों में मिली अहम सफलता। चोरी के ट्रेलर की कटिंग कर बेचने वाले गिरोह का हुआ पर्दाफाश। सरगना समेत 4 अपराधी गिरफ्तार। सामान भी बरामद। वहीं मुसाबनी में हुई लूट की वारदातों का पुलिस ने किया खुलासा। 6 गिरफ्तार। लूटे गए सामानों के साथ वाहन बरामद। और जमशेदपुर की श्रेया ने झारखंड स्टेट वेटलिफ्टिंग प्रतियोगिता में जीता 3रा पुरस्कार। सोनारी निवासी पत्रकार अभिजीत अधरजी की पुत्री है विजेता श्रेया। पहली बार प्रतियोगिता में हिस्सा लेकर पुरस्कार पर जमाया कब्जा। वर्ल्ड फिटनेस फेडरेशन की ओर से रांची में आयोजित हुई प्रतियोगिता। बात करते हैं शहर के निजी स्कूलों में नामांकन के लिए लॉटरी की गाइडलाइंस जारी किए जाने की। जमशेदपुर के प्राइवेट स्कूलों में नामांकन के लिए सभी स्कूलों को आगामी 5 से 20 जनवरी के बीच लॉटरी पूरी कर 22 जनवरी तक रिजल्ट निकाल देना होगा। जिला शिक्षा विभाग ने इस संबंध में प्राइवेट स्कूलों के लिए जरूरी गाइडलाइंस जारी करते हुए लॉटरी की प्रक्रिया पूरी पारदर्शिता के साथ पूरी करने का निर्देश दिया है। पूर्वी सिंहभूम जिले में प्राइवेट स्कूलों के एंट्री लेवल में नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इस बीच जिला शिक्षा अधीक्षक विनीत कुमार ने नामांकन की प्रक्रिया के लिए निजी स्कूलों को गाइडलाइंस जारी कर दी है। इसके तहत निजी स्कूलों को आगामी 5 से 20 जनवरी के बीच विभाग द्वारा प्रतिनियुक्त पर्यवेक्षक की उपस्थिति में अपने यहां पूरी पारदर्शिता के साथ लॉटरी की प्रक्रिया पूरी कर 22 जनवरी तक उसका रिजल्ट स्कूल के बोर्ड पर लगा देना होगा। जिला शिक्षा अधीक्षक विनीत कुमार ने बताया कि जिले के निजी स्कूलों में बीपीएल श्रेणी के बच्चों के कुल 1550 सीटें आरक्षित है, जिन पर नामांकन के लिए सोमवार 20 दिसंबर तक फॉर्म वितरित किए गए। उन्होंने बताया कि अब उन बच्चों के प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच के पश्चात उनके आवेदन के अनुरूप स्कूलों में नामांकन के लिए भेजा जाएगा। उन्होंने बताया कि बीपीएल कोटा में नामांकन के लिए इस वर्ष आज अंतिम दिन तक करीब 600 लोगों ने फॉर्म लिए हैं। प्राइवेट स्कूल का है कि 5 से 20 तक में लॉटरी कर लेंगे और उसका सूचना दे देंगे किस दिन किसका लॉटरी है, और जिला से पर्यवेक्षक जाएगा उनके सामने में वे लॉटरी की कार्रवाई करेंगे और 22 जनवरी तक रिजल्ट निकालेंगे। 22 जनवरी तक रिजल्ट अपने नोटिस बोर्ड पर दे देंगे। एकदम पारदर्शी तरीके से हो, इसका मैंने पूरा ख्याल ध्यान रखा है। साथ पक्षपात न हो, जो बच्चे लॉटरी में आएंगे उन्हीं को कोई इधर से हेर फेर नहीं कर पाए, इसलिए पर्यवेक्षक की देखरेख में ही कार्रवाई लॉटरी निकलेगा। 5% वाले का फॉर्म आज लास्ट डेट है और फॉर्म यहां से लोग ले रहे हैं अपने सभी कागजात दिखला करके। उसके बाद कागजात की हम जांच करेंगे, अगर सही है तो उनको जिस स्कूल के लिए फॉर्म ले रहे हैं उस स्कूल में एडमिशन के लिए भेजा जाएगा। आइए बात करते हैं चोरी के ट्रेलर की कटिंग कर बेचने वाले गिरोह के 4 लोगों की हुई गिरफ्तारी की। जमशेदपुर पुलिस ने बर्माइंस थाना क्षेत्र स्थित टाटा स्टील गेट से ट्रेलर की चोरी कर कटिंग कर बेचने वाले गिरोह के 4 लोगों को गिरफ्तार कर मामले का खुलासा किया है। गिरफ्तार अपराधियों की निशानदेही पर पुलिस ने अलग अलग स्थानों से ट्रेलर बेड के कटे हिस्से भी बरामद कर लिए हैं। बता दें कि बर्माइंस थाना क्षेत्र स्थित कंपनी गेट के पास से एक ट्रेलर बेड की चोरी हो गई थी, जिस संबंध में ट्रेलर मालिक ने बर्माइंस थाना में शिकायत दर्ज कराई थी। जमशेदपुर पुलिस ने इस संबंध में कार्रवाई करते हुए 2 लोगों रोहित कुमार शर्मा और चंदन यादव उर्फ कल्लू को पकड़ा। बाद में उनसे पूछताछ के आधार पर पुलिस ने चांडिल के कांदरबेड़ा स्थित लोहाटाल में छापा मारकर वहां काट कर रखे ट्रेलर बेड के हिस्से बरामद किए, जबकि वहां से गैस कटर, गैस जैसे उपकरण भी जब्त किए गए। इसके साथ ही गैस कटर एवं टाल के मैनेजर अर्जुन सेन और अजय सिंह को भी गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने उनकी निशानदेही पर अन्य स्थानों पर भी छापामारी कर वहां से ट्रेलर बेड की कटिंग बरामद की। प्रभारी डीएसपी अनिमेश गुप्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी जानकारी देते हुए बताया कि बीते दिनों एक ट्रेलर को चोरी कर ली गई थी। शिकायत के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए ट्रेलर का अगला हिस्सा सरायकेला खरसवा जिले के चौका से बरामद किया। पुलिस गिरोह के सरगना रोहित शर्मा और चंदन यादव उर्फ कल्लू से पूछताछ कर उनके द्वारा अंजाम दी गई अन्य वारदातों का भी पता लगा रही है। दुनिया गेट के पास में एक ट्रेलर का बेड का चोरी अज्ञात अपराध कर्मियों द्वारा किया गया था। उस संबंध में 161 नंबर केस यहाँ बर्मा माइंस के दर्ज कर दिए 16 तारीख को।
तो उसका अनुसंधान के क्रम में एक विशेष टीम इसमें गठित की गई और विशेष टीम के द्वारा जो है इस कांड का उद्भेदन बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से किया गया और जो चोरी गया बेड है उसको कांदरबेड़ा में काटा जा रहा था। इस सूचना पर वहाँ कांदरबेड़ा से उसको बरामद किया गया, लेकिन उस समय तक वो कट चुकी थी और उसका आधा पोर्शन कोई ट्रक से पता चला कि ले कर करके उधर बनारस के तरफ में निकला है, तो उसको भी हम लोग बरही तक हम लोग उसको रोकने में कामयाब रहे हैं। और इसमें चार जो दो चोरी करने वाला जो लोग हैं वो रोहित कुमार शर्मा और चंदन यादव और अर्जुन सेन और अजय सिंह जो है उसका सहकर्मी है, एक ड्राइवर है जिसमें, और एक टाल का मैनेजर है जो टाल का है, तो जिस टाल में कट रहा था और वहाँ से इन सबकी गिरफ्तारी हुई है और जो भी चोरी गया माल है सभी बरामद कर लिया गया है इसमें। और इसमें अन्य दो और अपराधकर्मी और अन्य जिसकी भी संलिप्तता आएगी इस कांड का अनुसंधान के क्रम में उनकी भी गिरफ्तारी हुई है। तो आगे इन लोग इसमें एक का पूर्व अपराधी का इतिहास है, तो आगे एक केस में इन लोग 83-21 में यहीं से जेल गया था इन लोग, और बाकी इन लोग से पूछताछ हो रहा है कि अभी तक कितना गाड़ी इन लोग काट करके कहाँ कहाँ बेचा है, और उस संबंध में भी इन लोग का स्वीकारोक्ति बयान में अंकित किया जाएगा, तदनुसार आवश्यक कार्रवाई। राज्य गिरोह ने हम लोग का है अभी संबंध में पूछताछ चल रहा है, लेकिन जमशेदपुर में ये लोग कटिंग किया है और कहीं कहीं हाइवा गाड़ी हो या टेलर हो ये सब कटवा करके ये सब बेचने का। आइए बात करते हैं मुसाबनी पुलिस द्वारा लूट तथा छिनतई के मामलों का खुलासा किए जाने की। मुसाबनी थाना क्षेत्र में विगत कुछ दिनों में हुई लूट व छिनतई की घटनाओं का उद्भेदन हो गया है। मुसाबनी पुलिस ने इन आपराधिक वारदातों में शामिल 6 अपराधियों को गिरफ्तार कर उनके पास से लूट के सामान भी बरामद किए हैं। मुसाबनी थाना क्षेत्र में विगत 4 दिसंबर को अपराधियों ने अलग अलग स्थानों पर लूट और छिनतई की घटनाओं को अंजाम दिया था। उनकी जांच कर रही मुसाबनी पुलिस ने इन आपराधिक वारदातों में शामिल 6 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। मुसाबनी पुलिस उपाधीक्षक चंद्रशेखर आजाद ने प्रेस वार्ता कर पुलिस टीम को मिली सफलता की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 4 दिसंबर को गुड़ाबंदा मुसाबनी रोड स्थित टेटाबदिया पुल पर काले रंग की स्प्लेंडर मोटरसाइकिल तथा ऑटो से आए अपराधियों ने एक व्यक्ति को मारपीट कर घायल कर दिया और उसकी बाइक एवं मोबाइल फोन लूट लिए। वहीं सड़क घुटू जहरथान में 3 अपराधियों ने एक लड़की को पिस्टल का भय दिखाकर उसका मोबाइल फोन छीन लिया। इन मामलों की जांच कर रही टीम ने छापामारी करते हुए कपाली व मुसाबनी क्षेत्र से अमीरुद्दीन अंसारी, जुनैद फिरोज, अरबाज आलम, मोहम्मद आजाद, मोहम्मद अनीस और शेख आसिफ को धर दबोचा। यही नहीं, उनकी निशानदेही पर लूट में प्रयुक्त काले रंग की बाइक तथा ऑटो के साथ लूटे गए सामानों को भी बरामद कर लिया गया। इसमें गिरफ्तार 6 अपराधी में से अमरुद्दीन अंसारी, जुनैद फिरोज, अरवाज आलम, मोहम्मद आजाद, मोहम्मद अनीश और शेख आसिफ है। हम लोग जो सामान बरामद किए हैं उसमें घटना में एक प्रयुक्त टेम्पो है, एक काला रंग का मोटरसाइकिल स्प्लेंडर मोटरसाइकिल है जिससे उस लड़की का मोबाइल लूटा गया था, एक पिस्टल है जिसका डर दिखाकर उसका मोबाइल लूटा था, और लूटा गया मोबाइल का जो ये मोटरसाइकिल का पार्ट्स है और अपराधियों के द्वारा जो मोबाइल यूज किया गया था वो 4 मोबाइल का जब्त किया गया विधिवत रूप से। इसमें से अमरुद्दीन अंसारी, अरबाज और अनीस, शेख आसिफ ये कपाली से हैं, कपाली चांडिल थाना। और अब बात स्टेट वेट लिफ्टिंग में तीसरा पुरस्कार जीतने वाली जमशेदपुर की श्रेया की। जमशेदपुर की बेटी श्रेया ने झारखंड स्टेट वेट लिफ्टिंग प्रतियोगिता में तीसरा स्थान प्राप्त कर नगर को गौरवान्वित किया है। वर्ल्ड फिटनेस फेडरेशन की ओर से रांची में आयोजित इस प्रतियोगिता में श्रेया ने पहली ही बार में ये उपलब्धि हासिल की है। जमशेदपुर के सोनारी आदर्श नगर निवासी पत्रकार अभिजीत अधरजी की पुत्री श्रेया अधरजी ने रांची में आयोजित झारखंड स्टेट वेट लिफ्टिंग प्रतियोगिता में तीसरा स्थान प्राप्त किया है। वर्ल्ड फिटनेस फेडरेशन की ओर से रांची में आयोजित इस राज्य स्तरीय वेट लिफ्टिंग प्रतियोगिता में श्रेया ने पहली बार हिस्सा लिया था। पुरस्कार जीतकर वापस लौटी श्रेया अधरजी ने बताया कि जिम क्लास शुरू करते वक्त उसने कभी सोचा भी नहीं था कि एक दिन वो ऐसी प्रतियोगिता में भाग लेगी और पुरस्कार भी जीत पाएगी। उसने कहा कि ये पुरस्कार जीतकर उसे बहुत खुशी मिली है और अब वो आगे नेशनल प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए और बेहतर करने का प्रयास करेगी। बहुत प्राउड सा फील हो रहा है क्योंकि मैंने इमेजिन नहीं किया था कि ये दिन मेरे लाइफ में कभी आएगा, और जब मैंने जिम स्टार्ट किया था तो ये
सोच के नहीं स्टार्ट किया था कि मुझे कि स्टेज पर जाने का मौका मिलेगा, लेकिन आज बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि मुझे थर्ड प्लेस लगा है ऑल ओवर झारखंड में, एंड इसके बाद नेशनल्स की तैयारी करूँगी, आशा करती हूँ उसमें और अच्छा कर पाऊँ, एंड हमेशा मतलब कि मेरे सर प्रशांत सिंह जो कि हमेशा मेरे सपोर्ट रहे हैं, उन्होंने मुझे ट्रेनिंग करवाया और फैमिली का बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला, काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिला मुझे हर कदम पे, इन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया, कभी भी मुझे ये नहीं फील होने दिया कि मैं लाइफ में कुछ नहीं कर पाऊँगी या आगे नहीं बढ़ पाऊँगी, हमेशा ही इनका साथ मिला है और मैं बहुत प्राउड फील कर रही हूँ। वहीं पहली ही बार में श्रेया के जीत हासिल करने पर श्रेया की माँ सोनाली अधर्जी की आंखों में खुशी के आंसू छलक उठे। श्रेया की माँ का कहना है कि आर्थिक तंगी के बावजूद श्रेया अपने लक्ष्य के प्रति पूरी ईमानदारी से मेहनत करती रही, जिसका परिणाम आज पुरस्कार के रूप में उसके हाथ में है। उन्होंने युवाओं को अपने लक्ष्य के प्रति निरंतर प्रयास करते रहने को कहा। क्या बोलूं, इसके लिए मेरा पास कोई शब्द नहीं है, हर एक माँ को अपनी बेटी को आगे बढ़ाना चाहिए, बस मैं इतना ही कहूंगी, हमेशा सपोर्ट करें। और अब बात करते हैं चांडिल के आसनबरी पंचायत में आयोजित सरकार आपके द्वार कार्यक्रम की। आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत सरायकेला खरसवा जिले के आसनबनी पंचायत में शिविर आयोजित किया गया। चांडिल SDM रंजीत लोहरा, जिला पार्षद ओम प्रकाश लायक व प्रखंड विकास पदाधिकारी मनीष कुमार की उपस्थिति में आयोजित शिविर का ग्रामीणों ने लाभ उठाया। चांडिल के आसनबनी पंचायत में सोमवार को आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन किया गया। SDM रंजीत लोहरा के साथ अन्य अतिथियों ने दीप जलाकर शिविर का उद्घाटन किया, जिसके बाद आसनबनी पंचायत क्षेत्र के दर्जनों गांवों के सैकड़ों महिला व पुरुषों ने शिविर का लाभ उठाया। शिविर में ग्रामीणों की शिकायतों का त्वरित निष्पादन होने से ग्रामीणों में खुशी दिखी। वहीं मुख्यमंत्री पशुधन योजना, धोती साड़ी वितरण, स्वास्थ्य जाँच, कोविड वैक्सीनेशन कैंप, मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत लोन सहित विभिन्न कार्यों के आवेदन निष्पादित किए गए। इनमें पेंशन, सुकन्या योजना, मनरेगा के तहत परिसंपत्ति वितरण के तहत सैकड़ों लाभान्वित हुए। वहीं चांडिल अनुमंडल पदाधिकारी रंजीत लोहरा एवं जिला पार्षद ओम प्रकाश लायक ने बताया कि चांडिल अनुमंडल के अंतर्गत कुल 16 शिविरों का आयोजन हो चुका है। सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत प्रखंड में संचालित राज्य सरकार की सभी लोक कल्याणकारी योजनाओं की विस्तृत जानकारी ग्रामीणों को दी गई और उनसे आवेदन प्राप्त करने और उनकी शिकायतों के त्वरित निष्पादन के लिए संबंधित विभागों द्वारा स्टॉल भी लगाए गए। सरकार का तो एक्सल शीट सर कार्यक्रम है, नाम से ही पता चलता है कि सरकार अपने दरवाजे पर आएगी और आम जनता की जो भी समस्याएं हैं उनको तत्काल दूर करने का प्रयास करेगी और इसके तहत हम लोग प्रत्येक पंचायत में जाके लोगों का समस्या ले रहे हैं और जो संभव होता है तत्काल उसका निदान कर ले रहे हैं। ये हम लोग का चांडिल प्रखंड का 16 पंचायत है, बाकी आप भीड़ देख ही रहे हैं, लोग आ रहे हैं, आवेदन दे रहे हैं और इसका लाभ लोग ले रहे हैं। आप क्या देखिए, हट कर अलग शिविर से पूर्व भी शिविर लगा करता था, आप सुनते होंगे कि हम इतना दिन से घूम रहे थे, पेंशन नहीं मिला। सबसे बड़ा चीज है कि यहाँ पर पेंशन उन लोगों को हम निदान करें। अब सवाल उठता है कि पहले नहीं होता था और अभी हो रहा है, इसके पीछे कारण ये था कि पेंशन से संबंधित कुछ कुछ गाइडलाइन थे जिसका संशोधित किया गया है। जैसे BPL नंबर अनिवार्य था, होता था, उतना ही लोगों का पेंशन स्वीकृति होता था, लेकिन इस सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री ने इस नियम में शिथिलता लाई, जिसके चलते ऑन द स्पॉट BDO साहब लोग हम लोग पेंशन स्वीकृति करा पा रहे हैं। आइए बात करते हैं पेट्रोल पंप मालिकों द्वारा मंगलवार को पंप बंद रखने की घोषणा किए जाने की। झारखंड पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन JPDA के आह्वान पर पूरे राज्य सहित जमशेदपुर के सभी पेट्रोल पंप भी मंगलवार को बंद रहेंगे। एसोसिएशन ने पेट्रोलियम पदार्थों पर VAT की दरें कम करने और सरकारी विभागों पर बकाया राशि के भुगतान सहित अन्य मांगों को लेकर एक दिवसीय पंप बंद का आह्वान किया है। बता दें कि राज्य के पेट्रोलियम डीलर काफी दिनों से VAT घटाने सहित अन्य मांगे सरकार के समक्ष उठाते आ रहे हैं। इसी को लेकर पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने मंगलवार 21 दिसंबर को अपने पंपों पर बंदी की नोटिस लगा दी है।
एसोसिएशन की जमशेदपुर इकाई के आलोक सिंह ने बताया कि बाकी राज्यों में वैट घटने के बाद भी झारखंड में वैट नहीं घटने के कारण यहां पेट्रोल डीजल की कीमतें अपेक्षाकृत अधिक है। इससे हमारे सेल में गिरावट आई है, इसलिए वे वैट कम करने की मांग कर रहे हैं। वहीं सरकारी विभागों को पंपों से दिए जाने वाले तेल का समय से भुगतान नहीं होने से एक एक पंप का सरकार पर करोड़ों रुपए बकाया हो गया है। इसका भुगतान किया जाए, अगर इसका भुगतान नहीं होता है तो पंप से सरकारी विभागों को तेल देना बंद कर दिया जाएगा। वहीं बायोडीजल की बिक्री पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि इसकी अनरेगुलेटेड बिक्री से भी पंप मालिकों को भारी घाटा हो रहा है। इन तीन मांगों को लेकर मंगलवार को पंप बंदी का आह्वान किया गया है। सरकार अगर अब भी नहीं सुनती है तो पंप मालिक बेमियादी हड़ताल पर भी जा सकते हैं। सबसे बड़ा डिमांड है कि हम लोगों ने बार बार इनको कहा है कि वैट आप अपना कम कीजिए, क्योंकि अभी क्या है कि सो वैट के कारण अभी जो कि सो हर स्टेट अपना अपना दाम घटा है, तो आगे हमारा दाम दूसरे स्टेट से कम था और हमारा कुछ बिक्री होता है। अभी बाकी लोग अपने वैट घटा दिए और हमारा नहीं घटा है, तो हमारा नेबरिंग स्टेट से हमारा दाम ज़्यादा हो गया। इसका फल हुआ है कि हमारा वॉल्यूम बहुत बुरी तरह गिरा है। हमने इनको स्टेट गवर्नमेंट को डेटा दिया है कि अगर आप वैट रिड्यूस करते हैं तो आपको लॉस नहीं होगा, आपको फायदा होगा, इसलिए कि जो हमारा रेवेन्यू लॉस हो रहा है बिकॉज ऑफ लेस सेल, अगर मेरा सेल बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली वो मेकअप हो जाए। दूसरा सबसे बड़ा डिमांड हमारा एक और है, मुझे ये गवर्नमेंट पेमेंट हमारे बहुत से पेट्रोल पंप से, इंक्लूडिंग हमारा अपना पेट्रोल पंप से सरकारी विभाग को तेल जाता है और सरकारी विभाग से एक एक पंप का एक एक करोड़ रुपया ज़्यादा रुपया बकाया है। जब भी उनसे बात करो तो वो लोग कहते हैं कि भाई अभी फंड अलॉटमेंट नहीं हुआ, कहाँ से देंगे। जब फंड अलॉटमेंट नहीं हुआ तो हम क्या करेंगे, हमको तो ऑयल कंपनी बिना पैसा के तो हमको तो तेल देता नहीं है। तो हम लोग वो भी एक डिमांड है और अगर उसमें भी नहीं सुनेंगे तो हम लोग सरकारी विभाग को तेल देना बंद कर देंगे। और अब बात करते हैं गम्हरिया उत्कल सम्मेलनी के आदित्यपुर में संपन्न चुनाव की। सरायकेला के गम्हरिया प्रखंड स्थित उत्कल सम्मेलनी की आदित्यपुर ओड़िया राजकीय मध्य विद्यालय में सोमवार को एक बैठक आयोजित हुई। इसमें रविंद्रनाथ सतपथी को सर्वसम्मति से उत्कल सम्मेलनी का अध्यक्ष चुना गया। उत्कल सम्मेलन की केंद्रीय कमेटी के सदस्य एवं पूर्वी सिंहभूम जिला उत्कल सम्मेलन के अध्यक्ष सह वरीय अधिवक्ता रविंद्रनाथ सतपथी की अध्यक्षता में गम्हरिया उत्कल सम्मेलनी की एक बैठक आदित्यपुर राजकीय उड़िया मध्य विद्यालय में आयोजित हुई। बैठक में सम्मेलनी के अध्यक्ष समेत अन्य पदों के लिए सर्वसम्मति से चुनाव किया गया। इसमें रविंद्रनाथ सतपथी को सर्वसम्मति से गम्हरिया उत्कल सम्मेलनी का अध्यक्ष चुना गया है। इस मौके पर केंद्रीय और जिला कमेटी के भी पदाधिकारी मौजूद रहे। बैठक में रविंद्रनाथ सतपथी ने झारखंड में उड़िया भाषा को द्वितीय राजभाषा का दर्जा मिलने के बावजूद सुचारू रूप से उसका पठन पाठन नहीं होने, शिक्षकों की नियुक्ति नहीं होने पर गहरा रोष जताया। उन्होंने कहा कि झारखंड में उड़िया भाषियों को केवल लॉलीपॉप थमा दिया गया है। उन्होंने कहा कि इसके लिए आगे आंदोलन की रणनीति तैयार की जाएगी। ये हमारी जो छिन्नांचल मतलब उड़ीसा का भाग है, उसमें हमारा गम्हरिया प्रखंड का जो आगे है उसमें जितना भी उड़िया बहुल क्षेत्र है उनकी उस उड़िया भाषा की जो पठन पाठन हो रही है, उनकी जो स्कूल है उनको फिर से बोलना था और उड़िया भाषा का पढ़ाई हो, हर परिवार से जो उड़िया भाषी भाषा है उनका संस्कृति बची रहे, उनके लिए हम लोग ने उसके लिए हम लोग काम करें ताकि फिर से हमारा जो विलुप्त होता जा रहा है वो फिर से पुनरुद्धार हो। बात करते हैं मनु शाही को जमशेदपुर भारतीय जनता मजदूर सेल का अध्यक्ष बनाए जाने की। भारतीय जनता मजदूर सेल की झारखंड प्रदेश कार्यकारिणी की एक बैठक रांची में आयोजित हुई। बैठक में राज्य के सभी जिलों के अध्यक्षों के नामों की घोषणा की गई, साथ ही उन्हें कार्यों व जिम्मेदारियों के संबंध में दिशा निर्देश भी दिए गए। भारतीय जनता मजदूर सेल की झारखंड प्रदेश कार्यकारिणी की एक महत्वपूर्ण बैठक रांची में आयोजित हुई। संगठन के प्रदेश अध्यक्ष महेश महतो की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। वहीं झारखंड के सभी जिला अध्यक्षों की घोषणा भी की गई। जमशेदपुर से मनु कुमार शाही को जिला अध्यक्ष तथा आशीष कुमार को उपाध्यक्ष चुना गया। मौके पर प्रदेश अध्यक्ष महेश महतो ने सभी पदाधिकारियों तथा जिला अध्यक्षों को जल्द जिला एवं प्रखंड कमेटियों का गठन करने का निर्देश दिया। भारतीय जनता मजदूर सेल झारखंड प्रदेश के जिला अध्यक्ष मनु कुमार शाही ने खुद को जिला अध्यक्ष बनाए जाने पर पार्टी अधिकारियों का आभार जताया और कहा कि वे अपनी जिम्मेदारियां पूरी करेंगे। भारतीय जनता मजदूर सेल झारखंड प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक हुई,
जिसकी अध्यक्षता माननीय महेश महतो जी ने किया और जमशेदपुर के जिला अध्यक्ष मुझे मनोनीत किया। कितना खुशी हो रही है आपको? ये तो खुशी जाहिर की नहीं जा सकती है, लेकिन जनता के बीच, मजदूर के बीच अपना समन्वय बनाएंगे और मजदूर के अच्छे हित के काम करेंगे। मजदूर के हित में आप खरा उतरिएगा। बिल्कुल। और अब बात करते हैं श्रीनाथ विश्वविद्यालय में आयोजित 5वें अंतर्राष्ट्रीय हिंदी महोत्सव की। सरायकेला जिले के आदित्यपुर स्थित श्रीनाथ विश्वविद्यालय में आयोजित 5वां अंतर्राष्ट्रीय हिंदी महोत्सव पुरस्कार वितरण के साथ संपन्न हो गया। 3 दिन तक चले इस महोत्सव में हिंदी भाषा, साहित्य एवं उसकी विभिन्न विधाओं से संबंधित विषयों पर व्याख्यान के साथ ही विद्यार्थियों के लिए अनेक प्रतियोगिताएं भी आयोजित हुई। कोरोना के कारण करीब 2 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद श्रीनाथ विश्वविद्यालय में 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय हिंदी महोत्सव का आयोजन किया गया। पहली बार इस आयोजन में कोल्हान विश्वविद्यालय के अलावा झारखंड और देश विदेश की अनेक विश्वविद्यालयों के विद्वान भी सम्मिलित हुए। समापन समारोह में ईचागढ़ की विधायक सविता महतो मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुई। उन्होंने विभिन्न प्रतियोगिताओं के सफल प्रतिभागियों में पुरस्कार भी वितरित किए। इसके अलावा 3 दिन चले इस महोत्सव में विद्यार्थियों ने नृत्य संगीत के विविध मनोरंजक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए और अनेक साहित्यिक सांस्कृतिक प्रतियोगिताएं भी आयोजित की गई। समापन समारोह को संबोधित करते हुए विधायक सविता महतो ने कहा कि श्रीनाथ विश्वविद्यालय के संचालन से न सिर्फ कोल्हान बल्कि पूरे झारखंड के विद्यार्थियों को भी शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकल्प उपलब्ध हो रहा है। समारोह में श्रीनाथ विश्वविद्यालय के कुलाधिपति सुखदेव महतो, जिला परिवहन पदाधिकारी दिनेश रंजन, समाज सेवी गुरुदेव महतो समेत कॉलेज की शिक्षक व शिक्षिकाएं भी उपस्थित रहे। श्रीनाथ कॉलेज विश्वविद्यालय की ये हिंदी दिवस के शुभ अवसर को के पर सभी हमारे छात्र आए शिक्षक सभी को मैं शुभकामना देती हूँ और हमारे विधान इस झारखंड में ही नहीं पूरा देश में हमारे इस तरह की कॉलेज से अच्छे अच्छे स्टूडेंट निकले और देश झारखंड का नहीं पूरा देश का नाम रोशन करें। और आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नई ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए SSCN न्यूज़ की पूरी टीम की ओर से मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।